हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीआर में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे विलोम शब्द, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए। तो देखिए, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जहाँ पर ये पेपर में पूछे आते हैं, जहाँ पर भी हिंदी पूछी आती है, सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो UPSI हो, लेखपाल हो, या फिर वीडियो हो, या RO ARO, जो कि आपके लगे हुए एग्जाम हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। ये विलोम शब्द का पहला पार्ट है, इसके बाद भी कई सारे पार्ट आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, इसके अलावा हमने एक UPSI की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक मार्क यातायात चिन्ह की वीडियो बनाई थी, सड़क चिन्ह के लिए, रोड साइन के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा, देख लें, क्योंकि इससे आपके 2.5 नंबर इंक्रीज जरूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जैन मत को मानने वाले वालों में श्वेतंबर, ठीक, श्वेतंबर बड़ी संख्या में है, तो इस श्वेतंबर का विलोम क्या होगा? तो श्वेतंबर का विलोम क्या होगा, दिगंबर, नीरंबर, अंबर या पीतांबर? तो देखिए, श्वेतंबर और दिगंबर दो इसके पार्ट थे, तो हमारा क्या जाएगा, दिगंबर, ठीक। अब देखिए, नीलांबर का नीला है, अंबर जिसका पीला है वस्त्र जिसका, इस तरह से अगर नीलांबर की बात करते हैं बलराम जी को बोलते, पीतांबर का होता है श्री कृष्ण को बोला था, अंबर का मतलब क्या होता है, बादल। तो इनके सभी का अर्थ जानते रहिएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर कृपण शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, अर्पण, दानी, यत्तर्पण या सूरवीर? देखिए, कृपण मतलब होता क्या है, तो आपको बता दें, ये कंजूस, सबसे बड़ा कंजूस जो होता है उसे हम कृपण कहते हैं, ठीक। देखिए, कृपण और कृपाण दो चीज़ें होती है, एक कृपण होता है, कृपण का मतलब हमने बता दिया, और एक होता है कृपाण, कृपाण जो सिख धारण करते हैं उसको हम तलवार बोलते हैं, ठीक। तो ये याद रखें, कृपाण में तलवार होता है, ठीक, जो सिख धारण करते हैं, और कृपण में इसका होता है कंजूस। तो कंजूस किसका विलोम होगा, तो दानी का। तो हमारा डी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। याद रखेंगे कि दानी का विलोम शब्द क्या होगा, तो कृपण हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 6 नंबर। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन था। तो ज्येष्ठ का जो जेठ होता है, जेठ का विलोम क्या होगा, तो कनिष्ठ हो जाएगा, ठीक। जेठ मतलब क्या था, बड़ा, कनिष्ठ मतलब, ठीक। तो ये हो जाएगा। अगला है उद्धत, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, उद्धत का विलोम क्या होता है, तो उद्धत मीत का होता है उजट टाइप का, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, विनीत, ठीक, उद्धत क्या हो जाएगा, विनीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसारण का विलोम क्या होगा, प्रतिपादन, आरक्षण या फिर आकुंचन या फिर सदर्शन, है ना, संदर्शन। देखिए, प्रसारण मतलब क्या होता है, फैलाव, प्रसारण मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का फैलाव करना, वही क्या होता है, प्रसारण होता है। तो उसको अगर हम सिकोड़ लें, आकुंचन कर लें, तो वही क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कर्कश का विलोम क्या होगा, कर्कश क्या होता है, जैसे कि कौवा की बोली कैसी होती, कर्कश होती है, और कोयल की क्या होती है, मधुर होती है ना, कहते हैं कर्कश मतलब कानों को चुभने वाली, कर्कश बोली से खड़ी बोली क्या है, कर्कश है ना, ये कानों को चुभती है, ठीक। तो वहीं पे क्या हो जाएगी, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, ठीक। कर्कश में इसका होता है कि थोड़ा सा कान चुभने वाली बोली, और मधुर क्या होती है, बहुत ही मीठी होती है, जैसे कि कोयल की आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है, और कौवे की कर्कश होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, श्री गणेश का विलोम का, तो श्री गणेश मतलब क्या, शुरू होना, किसी काम का शुरू होना, और उसका फिर विलोम क्या है, अंत हो जाना, अंत को क्या बोलते हैं, इत श्री, ठीक। तो श्री गणेश का क्या हो जाएगा, इत श्री विलोम शब्द, ठीक। तो याद रखेंगे, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, इत श्री, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, उचित विलोम शब्द का चयन करें। देखिए, अवारचीन का क्या विलोम होगा, अवारचीन का विलोम शब्द क्या होगा, नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाणकालीन, ठीक। तो क्या हो जाएगा, प्राचीन, ठीक। अवारचीन का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन, ठीक। देखिए अगला है अध, तो अध नहीं, ये तो अर्ध होना चाहिए था, उसका पूर्ण हो जाएगा, यहाँ पे अथ कर लेते, तो अथ का विलोम क्या होगा, हमें ये बताना, क्योंकि अथ कई बार पूछा गया, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा, ठीक। रति नहीं, रत्मीस का होता प्रेम, तो इसको इति कर लेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो अथ का विलोम क्या होता है, इति, ठीक। चलिए अगला, या फिर यहाँ पे अर्ध होता तो पूर्ण हो जाता, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजु का विलोम क्या होगा, रिजु, रिजुमीज क्या होता है, रिजुमीज क्या होता है, सीधी रेखा ना, रिजु, रिजु रेखा आपने देखा होगा, तो रिजु रेखा क्या होता है, सीधी रेखा, और वक्र तो क्या होते, अब वक्र कर देते हैं, वक्राकार, तो ये क्या होती है, ये उसका विलोम हो जाता, तो वक्र हो जाएगा। रिजु का क्या होता है, रिजु मतलब सीधी रेखा, वक्राकार क्या होता है, वक्र मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा घूम के जो चलता है उसको वक्र बोलते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, उपकार, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपकार क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अनिवार्य का विलोम, देखिए कहीं कहीं आप देखते हैं, जब पेपर देते तो कहते हैं ये प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसको करना ही है, ठीक। अगर उनको नहीं करना होता तो क्या बोलते हैं, वैकल्पिक हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनिवार्य का विलोम क्या होगा, देखिए वैकल्पिक भी हो जाएगा या फिर आपकी इच्छा, इच्छा से, ठीक, ऐच्छिक हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी,
मतलब बी और सी दोनों, तो मतलब अगर अनिवार्य का विलोम शब्द पूछा था तो वैकल्पिक भी होगा और ऐच्छिक भी होगा, ठीक, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला है विस्तृत का विलोम शब्द का। देखिए विस्तृत मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, तो उसको छोटा करना मतलब क्या, संक्षिप्त, ठीक, तो संक्षिप्त हो जाएगा हमारा विस्तृत का, क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्यम, उद्यम का क्या होगा, उद्यम का होता है जो बहुत ही परिश्रमी होता है, जो जो बहुत परिश्रम करता है, उसका क्या हो जाएगा फिर, आलस्य, एकदम से आलसी व्यक्ति, ठीक, आलसी व्यक्ति। चलिए अगला देखते हैं, उन्मुख का क्या हो जाएगा, उन्मुख का प्रमुख हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा, त्रिमुख हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, क्या होगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विमुख। चलिए अगला देखते हैं, आविर्भाव का क्या विलोम शब्द होगा, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, प्रादुर्भाव, संभाव, तिरोभाव या अभाव, तो आविर्भाव क्या हो जाएगा हमारा, तिरोभाव, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तिरोभाव, ठीक। अब अगला है उन्मूलन, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, तो उन्मूलन मतलब क्या होता है कि काटना टाइप का होता है, ठीक, और रोपण, क्या हो जाएगा इसका, रोपण हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, ठीक, तो उन्मूलन का होगा रोपण, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला उद्धत, उद्धत मतलब का उजट टाइप का, तो उसका क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है चिरंतर, चिरंतर का क्या होगा, जो चिर समय से चला आ रहा, ठीक, तो पुराने समय से चला रहा, उसका मतलब क्या होगा, तो नश्वर, जो नष्ट हो गया हो ना, तो क्या हो जाएगा चिरंतर, क्या हो जाएगा नश्वर। चलिए अगला है क्वेश्चन, ग्रस्त का विलोम क्या होगा, तो ग्रस्त का विलोम क्या होता है, ग्रस्त होना किसी चीज़ से, रोग से ग्रस्त हो जाना, तो उससे मुक्त हो जाना कहेगा, ग्रस्त मतलब क्या, उससे पकड़े हुए, मुक्त मतलब क्या, आज़ाद, ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हास का विलोम क्या होगा, देखिए हास मतलब क्या होता है, हंसी, हंसी, ठीक है, हास रस सुना होगा आपने, हंसी, तो हंसी का क्या हो जाएगा, रोना, तो रोदन हो जाएगा, ठीक, हंसी का रोना होता, मगर जब ये संस्कृत की भाषा में बोलते हैं हास का, तो क्या हो जाएगा, रोदन, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, रोना, ठीक। चलिए अगला है रुग्ण का विलोम क्या होगा, रुग्ण मतलब क्या होता है, बीमार टाइप का, रुग्ण मतलब क्या होता है, बीमार टाइप का, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा स्वस्थ, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए 26 नंबर देखते हैं, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, तो प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है, निवृत्ति, ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 का सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं, 27 का होता है विपद का क्या होगा, देखिए विपद का क्या हो जाएगा, संपद हो जाएगा, ठीक, संपद हो जाएगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला चप्पल, चप्पल मिस का होता है, चप्पल मिस का होता है चंचल, ठीक, तो चप्पल मिस का होता है चंचल, मतलब चंचल टाइप का, तो उसका क्या हो जाएगा, चप्पल का हो जाएगा गंभीर, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो गंभीरता से किसी चीज़ को लेता हो, ठीक। अगला है, अगला का देखते हैं, संपन्नता का विलोम क्या होगा, तो संपन्नता मतलब हर चीज़ से संपन्न, पूरी सभी चीज़ों से संपन्न, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्धन, जो सी किसी चीज़ से भी संपन्न ना हो, निर्धन हो जाएगा, ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अवन का विलोम क्या होगा, तो अवन का हो जाएगा धरा, अवन का होता है अंबर, ठीक, देखिए धरा मिस भी पृथ्वी होता है, शशांक मिस चंद्रमा होता है, सितारा जानते हैं आप, तो अवन का होगा अंबर, ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है सहोदर, तो सहोदर का क्या होगा विलोम शब्द, सहोदर मतलब क्या था, सात एक ही हृदय से, एक ही उदर से पैदा होने वाले, जो सगा भाई होता है उसको सहोदर बोलते हैं, ठीक, तो सहोदर का क्या होना चाहिए, अन्योदर, ठीक, यहाँ पे अन्योदर गलत लिखा है, जैसे अन्योदर होता, ठीक, अन्योदर, ठीक, तो ये सही एकदम राइट आंसर होता है अन्योदर, ठीक, मगर यहाँ पर अन्योदर नहीं लिखा है, तो ये परोदर हो जाएगा, मतलब पराए उधर से, ठीक, पर उधर, ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा हमारा, ये भी मान लीजिएगा, अगर अन्य उधर होता तो हमारा सही एकदम राइट आंसर होता, यहाँ पे हम पर उधर को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि परे मतलब दूसरे उधर से उत्पन्न है ना, तो सहोदर मतलब का सगा भाई, और परे उधर या फिर अन्य उधर मतलब क्या होता है, अन्य उधर से, ठीक, सौतेला, ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है क्रश का विलोम क्या होता है, देखिए क्रश, क्रश मतलब क्या होता है, एकदम दुबला पतला, ठीक, क्रश का मतलब क्या होता है, एकदम दुबला पतला, तो इसका क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है अल्पज्ञ, जिसको थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान हो, अल्पज्ञ उसको बोलते हैं, तो अल्पज्ञ क्या हो जाएगा, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, मतलब सब कुछ ज्ञान हो, उसे क्या सर्वज्ञ बोल देंगे, ठीक, तो हमारा अल्पज्ञ क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ठीक। चलिए अगला है उदय, तो सबको पता उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, अस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इनमें क्या कहा जाएगा कि नीचे लिखे गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो, जो एक दूसरे के विलोम ही ना हो, ठीक। देखिए गुड़ का अवगुण होता है, बिल्कुल सही है, देव का दानो, बिल्कुल सही है, तरल का ठोस, ये भी सही है, सम्मान, सम्मान का आगे ये विलोम शब्द नहीं है ना, सम्मान का अपमान होता, ठीक, तो ये सही हो जाता, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये विलोम शब्द नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, जय पराजय विलोम शब्द है, सार्थक निरर्थक विलोम शब्द है, धर्म और पुण्य, धर्म और पुण्य,
उन्नत पतन ये भी है, मगर ये धर्म और पुण्य नहीं, धर्म का अधर्म होना चाहिए। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन ये नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 से 40 तक। देखिए परोक्ष, परोक्ष मतलब क्या होता है, अच्छ के परे, मतलब अच्छ के बाहर, मतलब जो दिखना रहा हो। ठीक है, तो परोक्ष प्रत्यक्ष, अच्छ के प्रति, है ना, तो मतलब क्या आंखों के सामने, तो उसको क्या बोलेंगे प्रत्यक्ष। तो परोक्ष क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। वैसे प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी विलोम शब्द होता है। ठीक, अप्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे प्रत्यक्ष के दोनों विलोम हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों। ठीक, तो याद रखेंगे। स्थूल विशाल का, स्थूल देखिए, स्थूल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्थूल के बारे में जानते होंगे आप लोग। ठीक, चलिए अगला है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, तो हमें बताना उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ या फिर विकराल, तो क्या हो जाएगा, निकृष्ट। ठीक, निकृष्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं गरल, गरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके SSC में पूछा गया, SSC GD में, गरल क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और गरल मतलब होता क्या, सबसे पहले जानते हैं गरल मतलब होता क्या है। तो देखिए गरल मतलब क्या होता है, विष टाइप का होता है, विष को हम गरल बोलते हैं, हलाहल। ठीक है, विष, जहर, वो चीज़ें, पॉइजन, तो वो उनको गरल बोलते हैं। तो सुधा का क्या हो जाएगा, गरल हो जाएगा। ठीक, सुधा का विलोम क्या होता है, गरल। ठीक, सुधा का विलोम क्या होगा, गरल। और आपको पता होगा कि जो अमृत होता है उसका विष हो जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे सुधा का क्या हो जाएगा, गरल। चलिए अगला देखते हैं 42 नंबर, 42 नंबर का है चिरंतर का विलोम क्या होगा, चिरंतर, जो चिर अंतर है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, नश्वर। हमने बताया चिरंतर मतलब जो चिरकाल से पुराने समय चला रहा हो वही का चिरंतर है, हमेशा चलने वाला। ठीक, तो क्या जाएगा, नश्वर, इसका मतलब नष्ट होने वाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक, तो कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और कृतज्ञ मतलब क्या होता है। ठीक, इन दोनों के अर्थ हमें अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें कृतज्ञ का मतलब क्या होता है और कृतज्ञ का मतलब क्या होता है। इसके अलावा देखिए अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी टेस्ट की सीरीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह के हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगभग 23-24 करवा दिए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। और UPSC का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा, वहीं पर आपको मूल विधि की क्लासें बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक, इसके अलावा हमने एक स्पेशल बैच चलाया हिंदी का, संपूर्ण हिंदी के लिए, वो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।